चलिए अब हम आप लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रहा है कि जो रेशनल नंबर दिया जा रहा है उसको आप नंबर लाइन पर इंडिकेट करें। इसमें पहले दिया है 5 - 8/5 और सेकेंड क्या दिया है, दूसरा दिया है आपका 4/7 और थर्ड दिया है 11/-4। फिर जो है फोर्थ दिया है -1/3। ये चार है, चार क्वेश्चन हैं, इसमें से हम एक क्वेश्चन आप लोगों को इंडिकेट कर देते रहे हैं और उसके अनुसार वैसे ही आप अन्य को सॉल्व करते चले जाएंगे। जैसे इसका हम एक क्वेश्चन उठाते हैं थर्ड, थर्ड क्या है 11/-4। अब इसके लिए लाइन ड्रा करेंगे, इसके सेंटर में 0 देंगे। फिर क्या है किधर चलना है, क्योंकि ये माइनस है इसलिए हमको किधर जाना पड़ेगा, लेफ्ट साइड में। ठीक, तो लेफ्ट साइड में आते हैं। लेफ्ट साइड में एक चीज और बताए थे कि हम क्या करते हैं, यदि इसको न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर छोटा हो तो डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में डिवाइड कर देते हैं, अर्थात 11 इसका जो है रफ वर्क आप करेंगे, यहाँ नहीं इसका जो है रफ वर्क आप करेंगे 4 का डिवाइड क्या है 4 × 2 = 8, 11 × 3 अर्थात 2 होल हो गया। इसको हम लिख सकते हैं 2 whole 3/4 या इसका इस तरह से रूपांतरण भी कर सकते हैं 2 + 3/4, क्योंकि माइनस है इसलिए इसमें माइनस होना चाहिए, तो ये माइनस होगा तो ये जो है दोनों माइनस हो जाता है। देखो माइनस है तो ये तो माइनस केवल डायरेक्शन बताएगा आपको जाना किधर है, ये माइनस क्या बताता है डायरेक्शन बताता है किधर जाना। तो माइनस में आपको इधर आना होता है यानी लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये रहा हमारा 1 और ये रहा 2। थोड़ा सा ध्यान देना है कि ये दूरी जो है बराबर है, ये वाली और ये वाली दोनों दूरी क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। अब 2+ है अर्थात 2+ जाना पड़ेगा यानी 3 पर 2+ है तो 2+ आना पड़ेगा इधर। फिर क्या है इसका डिवाइड करते हैं कितने पार्ट में, इसका डिनोमिनेटर बताता है कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना है 1, 2, 3 और 4 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब देखते हैं इसमें कौन सी वैल्यू होगी, तो 2 होल है तो 2 तो हो गया। फिर जो है यहाँ से कितने खाने चलने हैं, कितनी बार चलनी है, ये ऊपर का इसका न्यूमरेटर बताता है, तो न्यूमरेटर क्या है 3, तो इसका कौन सा पार्ट लेंगे तीसरा, अर्थात यहाँ से गिनते हैं 1, 2, 3, ये जो वैल्यू होगी इसको हम कहेंगे 2 whole 3/4 या माइनस में, या फिर इसको बोलेंगे 11/4 माइनस में, दोनों को वैल्यू एक ही होती है आप जानते ही हैं। तो इसी तरह से इसमें चूंकि ये माइनस दिया, माइनस कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो डायरेक्शन केवल बताएगा हमको। पहले वाले क्वेश्चन में भी माइनस दिया, ठीक है ये आप लोग ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे नंबर लाइन बनाएंगे और ऐसे इसको सॉल्व देंगे और ये इंडिकेटर इंडिकेशन करके और आप दिखाएंगे कि इसी को हमने लिया है, यही पॉइंट जो है -11/-4 है। इसी तरह से सेम है आप लोग करते चले जाएंगे। ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, अब जो है थोड़ा सा सेकेंड क्वेश्चन के बारे में जान लेते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है। आप लोग जितने भी ब्लैक बोर्ड पर लिखे जा रहे हैं या क्वेश्चन सॉल्व किए जा रहे हैं उसको आप अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, तुरंत का तुरंत नोट करिए, ठीक बहुत अच्छा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या दिया है। गिव द फॉलोइंग रेशनल नंबर
इन देयर स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो आप लोग जानते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म होता क्या है, जैसे थोड़ा सा हम इंडिकेट आप लोगों को दे रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। यदि न्यूमरेटर, यदि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में वन के अलावा और कोई कॉमन न हो, कोई ऐसा नंबर ना हो जो इनको काट सके, तो वो फॉर्म कहलाता है स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसे कहें 3/4, इसको वन से डिवाइड होगा, ये भी वन से डिवाइड होगा, इसके अलावा और देखते हैं वन को छोड़ करके ये टू से डिवाइड नहीं होगा, ये टू से डिवाइड होगा, ये थ्री से डिवाइड होगा, ये थ्री से डिवाइड नहीं होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि दोनों में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं है। जब दोनों में कोई कॉमन डिवाइजर नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म इसको बोलते हैं। वही यदि हम कह दें कि 8/12, इसमें देखें ये भी टू से डिवाइड है, ये भी टू से डिवाइड है, अर्थात इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं बोलेंगे, नॉट स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि इसमें जो है टू से डिविजिबल है, ये टू से डिविजिबल है और ये भी टू से डिविजिबल है, इसलिए वन के अलावा टू से डिविजिबल मिल गया, इसलिए ये जो है नॉट स्टैंडर्ड होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं होगा। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए, मान लेते हैं इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना हो तो क्या करते हैं, कट करते हैं ना, तो दो काम नहीं मिला तो दो से हम इसको जब डिवाइड करेंगे तो 2/4 = 8 और 2/6 = 12, फिर देखते हैं फिर ये 2 से और ये 2 से, दोनों 2 से डिविजिबल है, करते हैं 2/1 = 2, 2/2 = 4 और 2/3 = 6, मिला क्या ऊपर साइड में न्यूमरेटर 2 मिला और डिनोमिनेटर 3 मिला, तो ये हो गया। अब क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया, स्टैंडर्ड फॉर्म। ये क्या था, नॉट स्टैंडर्ड फॉर्म था, ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको चेंज करने के लिए दिया है कुछ इसके किताब के क्वेश्चन ले लेते हैं, तो देखिए तो क्या दिया है, -88/110, ये माइनस हमारा यहाँ है -110, क्योंकि अपर डायरेक्शन में भी माइनस दिया नीचे डायरेक्शन में भी माइनस दिया, इसलिए ये दोनों कैंसिल, दोनों पाई के हो जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 88/110। अब क्या करते हैं, इन दोनों का आप HCF लेकर के सबसे अच्छा है भाग देते हैं, इसमें इतना सब काटने की जरूरत नहीं है, इन दोनों का HCF निकालते हैं आप, रफ 88 है और 110 है, इसका HCF निकालें। HCF ऐसे ही निकलता है आप लोग जानते ही हैं, इसमें से जो देखें तो कट करते हैं 2 से 2 2 2 2 4 8 2 4 8, ये क्या है 2 5 = 10 और 2 5 = 10, फिर देखिए ये 4 4 ये 5 5, क्या आप बता सकते हैं कि किससे ये दोनों कटेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या ये किसी कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को काट सके, थोड़ा सा 11 का टेबल में देखिए उसी में कटेगा, 11 जिसको बोलते हैं 11 4 = 44 और 11 5 = 55, अब कोई नंबर नहीं है जो काट सके इसको, तो हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यही HCF होता है। HCF क्या होता है, 2 × 11 हो जाएगा इसका, अर्थात 22। अब 22 से इसमें डिवाइड कर लीजिए, वही हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म मिल जाएगा, 22 से डिवाइड कर दिया 88 है इसमें 22 से 2 4 = 8 और 2 4 = 8, यानी कि 4 आया ऊपर 4 और नीचे क्या आ रहा है 22 से डिवाइड करना है कि
कितने 110 में, ये 110 है, इसमें हम 22 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 25 जा 10 और 25 जा 10 और 1 गए, अले अबान ये कट गया, और साथ 5 टाइम्स में करा तो 5 हो गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, स्टैंडर्ड भाग। ये हो गया स्टैंडर्ड भाग। फिर है कह रहा है नंबर लाइन पर इंडिकेशन फिर दे रहा है, ठीक। ये दो क्वेश्चंस अभी आप लोग सॉल्व कर लें, पहला और दूसरा। नेक्स्ट डे आप लोग इससे आगे वाले क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे, ठीक। देखें ये बुक है, इसमें के क्वेश्चंस दे रहा है, ये 3, 4, 5 ये आप नोट कर लीजिए, इसको नेक्स्ट डे आप लोग को प्रयास करेंगे। हो सकता है कि कर लें, नहीं कर पाएंगे तो फिर हम अगले वीडियो में इसको डालेंगे, इसको सॉल्व करके बताएंगे, ऐसे होता है, ठीक। यदि आपको अच्छी तरह से नहीं दिखाई दे रहा है तो आप यहाँ आ करके संस्था पर और किताबों को ले करके और घर बैठ करके पढ़ाई करिए और सॉल्व करिए, ठीक है। बाय बच्चों।